राधे राधे दोस्तों, आज हम आपको सुनाएंगे अवसान माता और कर्ज में डूबे माता पिता की कहानी। अगर आपको हमारी कहानी पसंद आए तो प्लीज़ हमारे चैनल अपनी संस्कृति को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर करें। किसी गांव में एक पति पत्नी अपने दो बच्चों के साथ रहते थे। पत्नी अवसान मैया की बहुत पूजा पाठ करती थी और उसका पति भी अपनी पत्नी का पूरा सहयोग करता था। इस तरह दोनों पति पत्नी बहुत पूजा पाठ करते थे। जहाँ भी अवसान माता की पूजा होती थी तो वह उसमें जाकर जरूर शामिल होती थी, क्योंकि अवसान माता की पूजा में सिर्फ महिलाएं ही जाती हैं। पति पत्नी अपने बच्चों के साथ खुशहाल जीवन यापन कर रहे थे। उनके दो बेटे थे। दोनों पति पत्नी अपने दोनों बच्चों को बड़े लाड प्यार से पाल रहे थे। उनको अच्छे से अच्छे स्कूल में पढ़ा रहे थे ताकि पढ़ लिख कर वे उनका बुढ़ापे का सहारा बन सकें। अब उनके बड़े बेटे जो बेटे थे बड़े हो गए दोनों बेटे, और उनकी दोनों की शादियां भी हो गई थी और घर में दो बहुएं भी आ गईं। अवसान माता की कृपा से समय बहुत अच्छा चल रहा था। उनके जीवन में कोई परेशानी अब तक नहीं आई थी, मगर कोई थोड़ी बहुत परेशानी आती भी तो पति पत्नी खुद ही उसको हल कर लेते थे। अपने बेटों के सामने अभी तक कोई भी दुख या परेशानी को उन्होंने नहीं आने दिया था। अभी तक अपने बेटों को किसी भी तरह की समस्या से सामना नहीं करना पड़ा था। उन्हें तो कभी यह महसूस ही नहीं हुआ कि कैसे कष्टों को सहकर माँ बाप अपने बच्चों को पालते हैं। बच्चों को तो पता ही नहीं चलता कि उनके उच्च शिक्षा और शादी विवाह में बहुत खर्चा हो गया था, जिसका उनके बेटे को कुछ पता ही नहीं था। अब जो समस्या थी वह यह थी, उनके माता पिता पर बहुत कर्जा हो गया था। उच्च शिक्षा के लिए और उनकी शादी के लिए माता पिता ने जो कर्जा लिया था, और अब जो लड़के कमाने लगे थे उधर शादी भी हो गई थी, तो लेकिन यह क्या, कर्जा चुकाने के बजाय लड़का जो बदल जाते हैं, शादी होते ही वो दोनों बेटे बदल गए। दोनों पत्नी पति पत्नी बहुत परेशान रहते थे कि ऐसी हमने क्या मतलब गलती की है जो हमारे बच्चे हमसे इतना जो बदल गए हैं, लेकिन बच्चे उनकी कोई बात नहीं सुनते थे। अब जिनसे वे लोग कर्जा लिए थे वो लोग भी कर्जा मांगने घर आकर तगादा करने लगे, उन्हें धमकाने भी लगे कि हमारा पैसा जल्दी से जल्दी लौटा दो। अब वह औरत अपने बेटों को अपनी परेशानी बताती है, लेकिन उनके दोनों बेटे उनकी परेशानी को समझने के बजाय उल्टा अपनी माँ को ही सुनाने लगते हैं, क्या हमें पूछकर कर्जा लिया था जो हमसे कहने आ गई हो? हमें भी परेशान करने के अलावा तुम्हें कुछ और काम नहीं है? जब कर्जा आपने लिया था आप ही चुकाओ। अपने बेटों की ऐसी कड़वी बातें सुनकर दोनों पति पत्नी बहुत रोते, दुख होता, उन्हें उदास रहते और अपने बेटों से कहते कि कर्ज चुकाने के लिए पैसे भी तो होने चाहिए जो हमने तुम्हारी परवरिश से उच्च शिक्षा और पढ़ाई लिखाई के लिए लिया था, तुम्हारी शादी की है, तो उसे अब हम कहाँ से चुकाएं? अब हमारी उम्र भी ये नहीं रह रही है कि हम कमा कर ही इसे चुका दें। लेकिन दोनों बेटे कुछ भी सुनने को तैयार नहीं थे। वे बेचारे कहते कि जब हमें बुढ़ापे में इनका सहारा चाहिए था तभी इन्होंने हमें बेसहारा कर दिया, अब क्या करें, खर्चा भी बेचारा ऐसे ही अपना चलाते थे। तो कई बार दोनों बहुत सोचते कि ऐसी क्या बात हुई कि जो हमारे बच्चे इतना बदल गए, लेकिन वो कुछ नहीं समझ पाते थे, सोचते कि हमसे ही कोई गलती हुई है। अब जब वह जो उसकी माँ थी अपने बेटों को समझाती तो उसके बेटे उसकी एक भी बात नहीं मानते थे और कह देते जैसे भी कर्ज चुकाना अपने आप चुकाओ। अब उनके घर में कलह होने लगी, बातों बातों में बहस शुरू हो जाती थी। उनका कोई भी बेटा कर्ज चुकाने को तैयार नहीं था। दोनों भाई भी बहस शुरू हो जाती दोनों भाइयों में। एक कहता तेरे लिए ज़्यादा पैसा खर्च हुआ तो दूसरा कहता तेरे लिए ज़्यादा पैसा खर्च हुआ, लेकिन कर्ज चुकाने कोई आगे नहीं आता, सिर्फ एक दूसरे पर आरोप लगाने लगते हैं। कोई भी अब हमारी परवरिश में ही कुछ कमी रह गई होगी, एक दिन पति पत्नी ने कहा कि जो हमने इतने नालायक बेटों को जन्म दिया है तभी इन्होंने हमें बेसहारा छोड़ दिया। अब वह बेचारी अपने पति से कहती आप चिंता मत करो, मैं दोनों बहुओं से बात करूंगी ताकि वो अपने पतियों को समझा सकें। जब वह अपनी बड़ी बहू से कहती है कि तुम अपने पति को समझा दो कि वह कुछ तो मदद करे कर्जा उतारने में, लेकिन उसकी बड़ी बहू अपनी सास को बहुत बुरी तरह से लताड़ देती है और कहती है कि क्यों हमें परेशान करके रखा है,
जिंदगी में तो कुछ कमाया नहीं, कर्ज ले लेकर गुजारा करती रही, अब हमें परेशान कर रखा है। वहाँ से वह बेचारी अपना सा मुँह लेकर आ जाती है, उसकी बड़ी बहू उसकी ऐसी बेइज्जती करेगी या तो उसने सोचा भी नहीं था। अब वह कहने लगी कि छोटी बहू से और कहकर देख लूँ, शायद वह हमारी परेशानी को समझे। लेकिन छोटी बहू तो बड़ी बहू से भी आगे निकली। वह अपनी सास को हाथ जोड़कर कहने लगी, आप हमें तो माफ़ करो, तुमने तो हमारा जीना ही हराम कर रखा है, अब हम यहाँ बिल्कुल नहीं रहेंगे। और अपना सामान पैक करने लगी अपने मायके जाने के लिए। अब जब उसका पति देखता है कि उसकी पत्नी कहीं जा रही है, तो वह उससे कहता है कि तुम कहाँ जा रही हो? तो उसकी पत्नी कहती है, रोज़ रोज़ की किचकिच से मैं तंग आ गई हूँ, मुझे यहाँ नहीं रहना है, इस नरक में मेरा दम घुटता है। तो उसका पति भी उसका समर्थन करता है और कहता है कि मुझे भी यहाँ नहीं रहना है। और दोनों पति पत्नी चले जाते हैं घर छोड़कर, अपनी मायके और वह अपनी ससुराल। उसकी माँ उनको बहुत रोकती है, लेकिन वे लोग नहीं रुकते। अब उसका बड़ा बेटा भी अपना ट्रांसफ़र दूसरे शहर में करा लेता है और वह भी अपनी पत्नी को लेकर चला जाता है। अब दोनों पति पत्नी अकेले रह जाते हैं, क्योंकि अब उनकी उम्र ऐसी नहीं थी कि कहीं मेहनत मजदूरी कर सकें। दोनों बहुत बहुत कष्ट में दिन बिता रहे थे, लेकिन उन्हें पूरा विश्वास था कि एक दिन सब ठीक हो जाएगा। अब दोनों पति पत्नी अकेले रह जाते हैं और घर में जो राशन था वह भी धीरे धीरे ख़त्म हो रहा था। बड़ी मुश्किल भरे दिन थे घर में, जब भी कोई कमाने वाला नहीं था। अब कोई कमाने वाला तो था नहीं। अब जो उसका पति था वह काम की तलाश में जाता, क्योंकि वही एक था घर में, लेकिन उसकी उम्र को देखते हुए उसे कोई भी काम देने को तैयार नहीं होता है। इस तरह से वह निराश होकर अपने घर आ जाता है। अब उसकी पत्नी उसे दिलासा दिलाती है कि कोई बात नहीं, कल काम मिल जाएगा। लेकिन दिन प्रतिदिन वह काम मांगने जाता है, लेकिन उसे कोई काम नहीं मिलता है। उधर कर्ज मांगने वाले भी अपना तकादा करने आते हैं और जो घर में कीमती सामान होता है उसे उठा उठा कर ले जाते हैं। कुछ तो कर्ज की भरपाई होगी, ऐसा कहकर वे लोग उनके घर के कीमती सामान को उठा लेते हैं। धीरे धीरे घर का राशन भी ख़त्म हो जाता है, घर में कुछ खाने को नहीं रहता है, घर में कमाने वाला भी कोई नहीं होता है, और जो उसका पति होता है उसे कोई भी उसकी उम्र देखकर, उसका बुढ़ापा देखकर काम नहीं देता है कि यह क्या काम कर पाएगा। दोनों पति पत्नी भूखे और उदास बैठे हुए थे और अफशान मैया को याद कर रहे हैं और मैया से विनती करते हैं, हे माता रानी, हमसे ऐसी कौन सी भूल हो गई जिसकी हमें इतनी बड़ी सजा मिल रही है? जिन बेटों के लिए हमने अपनी इच्छाओं को त्याग दिया, आज उन्हीं बेटों ने हमें त्याग दिया है और हमें छोड़ छोड़ कर चले गए। आज हमारे घर में खाने के लिए एक दाना भी नहीं है। और वह फूट फूट कर रोने लगी। फिर भी उसको अफशान माता पर विश्वास था कि एक न एक दिन माता रानी सब ठीक कर दे, हमारे लिए कुछ अच्छा ही सोचा होगा। यह सोचकर वह रानी से मन्नत मांगती है कि हे माता रानी, पहले जैसा कर दो हमारे दिन, हमें पहले से अच्छे हो जाएं, तो मैं आपकी ज़रूर पूजा कराऊंगी, हमारे दुख दूर करो माता रानी। तो उस औरत को बैठे बैठे एक बात याद आती है कि उसकी सासू माँ ने शादी होकर जब वह आई थी तो उसे कंगन दिए थे। तो वह अंदर जाती है, क्योंकि उन कंगनों को उसने अभी तक संभाल के रखा था और किसी को भी नहीं दिया था, ना बेटे की बहू को, किसी को भी उन कंगनों के बारे में नहीं पता था। तो वह अंदर जाती है और उन कंगनों, जो हाथ के दोनों कंगन होते हैं, उन्हें उठा कर ले आती है और अपने पति से कहती है कि देखो, ये कंगन मेरी सास ने मुझे दिए थे, आप जाओ और इन्हें बेच कर जो भी पैसे आएगा उससे घर का राशन ले आओ, कुछ दिन तो हमारे इसमें कट जाएंगे। लेकिन उसका पति जब उन कंगन को देखता है तो कहता है कि ये हमारे खानदानी कंगन है, इन्हें मत बेचो। तब वह कहती है कि शायद इसमें माता रानी का कोई संकेत है जो इतना दिनों के बाद मुझे याद आए हैं। तो दोनों पति पत्नी उन कंगनों को लेकर सुनार के पास बेच आते हैं। सुनार सोने का भाव जो होता है उन दोनों को उनके पैसे दे देते हैं। अब वह घर की तरफ चलते हैं। अब वे कुछ आगे ही जाते हैं कि सुनार दौड़ा दौड़ा आता है और कहता है कि तुम्हारे तो समझो लॉटरी लग गई है, क्योंकि उन कंगनों में उसके पति पति सोचते हैं कि यह हमारा विश्वास उठा रहा है, क्योंकि विश्वास ही नहीं होता है कि हमारा मजाक कर रहा है, हमारी गरीबी का मजाक उड़ा रहा है। तो सुनार से कहते हैं कि तुम्हारे कंगनों में सोने के जो मीने लगे थे वे बहुत कीमती हैं
और उनकी कीमत करोड़ों में है। अब दोनों पति पत्नी बहुत खुश होते हैं। माता रानी उनकी सुन ली, माता रानी ने अब उन पर कृपा करी थी, उनकी सुन ली थी, उनकी मन्नत पूरी हो गई थी। अब वो एक घर खरीदते हैं और एक परमानेंट नौकर भी रख लेते हैं। अब बुढ़िया सास सुहागिनों को बुलाकर माता रानी की पूजा करती है और उनके सारे दुख खत्म हो जाते हैं। अब जब उनके बेटों को पता चलता है कि वे अपना हिस्सा मांगने आ जाते हैं कि माता पिता के पास तो बहुत धन दौलत हो गई है, लेकिन वे दोनों माता पिता अपने नौकरों से कहकर उन्हें घर से बाहर निकाल देते हैं। अवशान माता ने जैसे उन पति पत्नी के दुख दूर किए, वैसे ही कहानी कहने वाले और सुनने वालों की मनोकामना पूरी करना। बोलो अवशान मैया की जय।